हालात जितने भी मुश्किल हो आपने घबराना नहीं है। कई रहनुमा चाहते हैं कि जी नैब जो है खत्म हो जाए। सब पे यकीन है कि जीत के आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन। वो पैसा कहाँ गया ये बताएं ना पहले ही। कोई एतराज है आप कोर्ट में हमारे सामने खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरेश जुहेब। और जैसा कि आप जानते हैं जनाब, कराची में कहा जा रहा है कि 7 और 8 तारीख को मानसून की बारिश पहली इसका आगाज़ हो जाएगा प्रॉपरली मानसून का, और उसी वाले से इंतजाम भी अब किए जा रहे हैं। आज मंगल का रोज़ है, गर्मी फ़िलहाल तो कराची में काफ़ी है, लेकिन मौसम अबर आलूद भी है और हब्स का सा माहौल बना हुआ है। तो दुआ यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द बारिश हो और कुछ ये गर्मी की शिद्दत में कमी आए। अलबत्ता पंजाब साइड पर कहा जा रहा है कि लाहौर में बारिश काफ़ी तेज़ हुई है और मौसम वहाँ पर कदरे बेहतर है। प्रोग्राम की फॉर्मेट के मुताबिक हम आगाज़ करते हैं अखवाले ज़रिए से, और बड़ी ज़बरदस्त बात है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। नाकामी का मुंह अक्सर उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के उसूल के लिए अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। तभी कहते हैं कि मायूसी कुफर है। हालात जितने भी मुश्किल हों आपने घबराना नहीं है। अगर शहद जैसा मीठा नतीजा चाहिए तो मक्खियों की तरह आपको एक रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, आपका ख़ानदान हो या आपका मुल्क हो। अगर आप एक होंगे तो जो नतीजा आप चाहते हैं, जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आसानी से अचीव कर लेंगे। कहते हैं ना कि अगर दरख्त की टहनियाँ हों तो टूट जाती हैं, अगर सारी जड़ें साथ हों, यूनाइटेड हों, तो मजबूती रहती है। तो हम इसी तरह मिलकर रहना है। हालात आज ऐसे हैं, इंशाल्लाह आगे बदल जाएंगे, चीज़ें हम बेहतरी की जानिब हैं। इलेक्शंस की बाजगश्त भी है, तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर शामिल करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस में सियासी मैदान में हलचल मच गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो को दौरान तहकीकात मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। मुलजिमान का अदालत से रुजू करने का हक छिन गया। लगता है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले एक्शन की तैयारी में है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और फ्रांस में मुस्लिम नौजवान की हलाकत के बाद फलस्तीन में इसराइली जारहियत। फौजी ऑपरेशन में 9 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के लिए नया चैलेंज। मुस्लिम उम्मा का मुजाहिरों और एहतजाज पर इक्तफा। कराची में दूध फिर महंगा, सरकार 180 रुपए लीटर रेट की रट लगाए बैठी है। मार्केट में दूध 220 रुपए लीटर में बिक रहा है। सारे खेल में नुकसान अवाम का हो रहा है। और एक बहन शेर तो दूसरी सवा शेर। महनूर अली और सहरिश अली ने साबित कर दिखाया। स्क्वाश कोर्ट में कौम का सर फखर से बुलंद कर दिखाया। कराची की बहनों की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ये तो थी वो तमाम अहम खबरें जिन पर प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्विटर पर जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, टॉप ट्रेंड, वो पिछले 2 रोज से चल रहा है। कुरान इज़ आर रेड लाइन। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। कई ममालिक में स्वीडिश सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है, और इस ट्रेंड में अब तक 52,000 से ज़ायद सारफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में जगह जगह पर जो एम्बेसीज हैं स्वीडिश, उन पर भी हमला किया जा रहा है, सफीरों को वापस बुलाया जा रहा है। यही किया है वो लोग ईरान में, कहा जा रहा है कि ये स्वीडिश सफीर को तैनात करने के हवाले से मामलात भी इल्तवा का शिकार हो गए हैं। तो लोग भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, और यही मुहिम चलाई जा रही है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। क्योंकि इससे पहले 5 महीने पहले भी ऐसा वाकया पेश आया, 1 साल पहले भी ऐसा वाकया पेश आया। तो लिहाजा आज़ादी इजहार राय के नाम पर ये आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। ऐसे नापाक अजाइम को नाकाम ही बनाया जाएगा। और इसी सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ सिफारतखाने स्वीडिश मौजूद हैं उनके बाहर तलावत कलाम पाक की जा रही है, और इसी सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। दूसरा जो जनाब ट्रेंड है वो नांगा पर्वत के हवाले से है। नांगा पर्वत ट्रेंड में शामिल है। शहरोज काशिफ और नायला कियानी ने नांगा पर्वत पर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी खातून को पैमा। नायला कियानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई हैं, और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने पर पाकिस्तानी सारिफीन
अपने हीरोज को सलाम पेश कर रहे हैं और इसी ट्रेंड में हजारों सारिफिन ने ट्वीट्स किए। तो ये तो जनाब नायला कियानी की कहानी है और हमने इनका इंटरव्यू भी किया था। बड़ी एनर्जेटिक थी और बड़ी पैशनेट थी कि अब इनको नांगा पर्वत सर करनी है और माशाल्लाह से वो कामयाब भी हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब मैं कुछ बात करूंगी। एक तरफ जहां सियासी मंजरनामे पर हलचल मची है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब कहा जा रहा है कि दुबई से सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। सियासी मैदान में पूरी तरह मुतहरक दिखाई दे रहे हैं, इलेक्शन से पहले एक्शन की तैयारियाँ हैं। ऐसे हालात में एक बार फिर नए कानून की बाजगश सुनाई दे रही है। अब डर यह है कि कहीं मुल्क एक बार फिर 90 की दिहाई की इंतकामी सियासत की तरफ ना चला जाए, क्योंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद अब कौमी एहतसाब ब्यूरो को यह इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी मुलजिम को दौरान तहकीकात भी गिरफ्तार कर सकता है। ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दी गई है, जबकि ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब को अदम तावन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाज़त भी होगी। इसके अलावा नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी, वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया कनीर ज़िया साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन की आमद आमद है, खबरें कुछ इस तरह की हैं और उससे पहले आपको पता है मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इस तब्दीली को, ये जो नैब तरमीम की गई है, क्योंकि आरिफ अलवी तो मौजूद नहीं है, सादिक संजरानी कहा जा रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये इसको मंजूर करेंगे। ये तो कर दिया है, मतलब ये लेट नाइट ऑर्डिनेंस निकाला गया और उसमें जाहिर है कि हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जितनी भी नैब कवानीन में चेंजेस लेकर आए बड़ी बददियानती पर मबनी है। उसका मकसद ये नहीं है कि बदनवान लोगों को जो है वो करना है, अकाउंटेबल होल्ड करना है, बल्कि उसका मकसद दो है। पहला मकसद जो पहली उन्होंने तरामीम की थी, उसका मकसद ये था कि वो चंद खानदानों को, चंद अफराद को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और अब जो की गई है उसका मकसद ये है कि जी कुछ लोगों को जो है निशाना बनाया जाए। मसलन उन्होंने अभी ये कहा है कि जी नॉन कॉपरेशन के ऊपर आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, नैब जो है, तो ये उन्होंने उसमें तरमीम की है। दूसरा उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी 15 दिन की जगह 30 दिन तक पूछताछ के लिए आप रख सकते हैं। जाहिर है सबको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है और किस तरह से वो टारगेट कर रही है। जी लेकिन आमिर साहब इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो कहा गया है कि एक तो साबित में मुलजिम को खुद ही करना पड़ेगा जो भी उस पर इल्जाम हैं, फिर वो इस सारी कार्रवाई में अदालत से भी रुजू नहीं कर सकता अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है और तहकीकात होती है। देखिए जो पहले हमारा नैब लॉ कहता था वो ये कहता था कि आपको अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो मुझे पहला सेट ऑफ तब्दीली आई थी लॉज में, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये था कि जनाब जो है कि जो बारे सबूत है वो उन्होंने प्रोसिक्यूशन पे डाल दिया था एक्यूज की जगह। अब ये मुझे नए लॉ का, मैंने भी सिर्फ उसकी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, जो दो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको अर्ज कर दी, लेकिन बारे सबूत का जो है वो उन्होंने तब्दील कर दिया था और वो फेवर में चला गया था एक्यूज के, जो पहला सेट ऑफ तरामीम की गई थी। अब जो नया है उसको मैंने इतना गौर से देखा नहीं। जी अच्छा, इससे पहले जो हमारे सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं उनमें से कई ने बातचीत करते हुए कहा कि जी नैब को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, इदारा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें नैब को एक तरह से मजबूत किया गया है, तो ये आखिर इसके पीछे आप मकसद को समझते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए असूली तौर पर पाकिस्तान में बलाई सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा बदनवानी है, और ये लोग जो आर्ग्यू करते हैं कि नैब जैसे इदारे की जरूरत नहीं है, वो एक बड़ा गलत आर्ग्यूमेंट है। नैब जो नून लीग के कई रहनुमा चाहते हैं कि जी नैब जो है ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी की भी कई रहनुमा चाहते हैं। पाकिस्तान को एक तो नैब की ज़रूरत है, पहली बात। हाँ, ये और बात है कि उसको सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए जो है इस्तेमाल ना किया जाए। अब लग ये रहा है हुकूमत ने जो पहला सेट ऑफ लॉज दिया था वो ये था कि जी शरीफ खानदान को, जो उनके करीबी रुफका हैं, उनको जो रिलीफ मिल सकती है वो मिल गई है। इस पर अब जो ये लॉज चेंज कर रहे हैं उसके निशाने यही है कि जी जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उनको दोबारा शुरू करना है। तो PTI इस वक्त निशाने पर है, तो मैं समझता हूँ ये जो भी लॉज में तब्दीली की गई है उसका मकसद यही है कि PTI के गिर जो है घेरा पहले ही बहुत ज़्यादा तंग है, उसको मज़ीद तंग किया जा सके। और इसमें यकीनन कुछ चीज़ें जो है वो चैलेंज होगी, उस पर बहस होगी, मुबाहसा होगा। अलमिया ये कि पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और हमारे हुक्मरानों की तरजीहत कुछ और हैं। इससे हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो तरजीहत की अगर बात है तो वैसी हैं कि जिससे अवाम से उसका कोई अगर वो नहीं है, लेना देना नहीं है, बल्कि पूरा अशराफिया या हुकूमत के फायदे और नुकसान को मद्देनजर रख के की जाती है। जी
यानी कि ये तो आमिर साहब वही बात हो गई कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि नैब के इदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा पर काटने नाखून तराशने की बातें ही बस होती थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल है बिल्कुल इसके बरक्स है, इसको मजबूत किया जा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? अभी आपने देखा कि दुबई में मुलाकातें हुई, क्या कुछ मामला तय नहीं हो पाए, फिर अब सऊदीया में कहा जा रहा है कि दो अहम शख्सियात से शाही खानदान के अलावा अभी मुलाकात होनी है, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नैब लॉज में तरमीम इस वक्त इसलिए की गई है कि जो पीटीआई के लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाए, अगर इमरान खान हदफ है, उनकी बेगम साहिबा हदफ है, तो उनको जो है रिलीफ ना मिल सके, तो ये तो मकसद हो गया। दूसरी बात ये यकीनन है कि अगर पीडीएम समझती है और उसकी जो बड़ी जमातें मौजूद हैं कि नून लीग और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये समझते हैं कि पीटीआई को हमने इतना ज़्यादा डायल्यूट कर दिया, इतना ज़्यादा हमने उसको दबाव में लेकर आ गए कि अगले इलेक्शन में हमारे लिए मसला नहीं है, तो फिर इन दोनों जमातों के दरमियान जो है आप देखिएगा कि लगेगी कि कौन जो है हुकूमत बनाए, कौन ज़्यादा सीट्स ले, तो ये आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों जमातों के दरमियान जो आज आपको कुर्बत नजर आ रही है, उस लड़की दूरियों में बदल जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हर चीज़ ज़ाहिर है कि तय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ खुद चौथी मरतबा दूल्हा बनने का या वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमको पता है कि पीपल्स पार्टी भी ख्वाहिशमंद है कि ओहदा उसके पास आए, तो ज़ाहिर है कि फदात का टकराव है दोनों जमातों के दरमियान, और वो आपके सामने जल्द ये बदेर बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे ही आप देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसमें भी अभी बहस होनी है कि किसको लेकर आएंगे केयर टेकर गवर्नमेंट में, कौन लोग जो है नॉमिनेट करेंगे। होना तो चाहिए कि आप वाकई ऐसे लोग लेकर आएँ जो गैर जानबदार हों, और इस्पेशली जो इकनॉमिक टीम हो वो अगर आप ऐसी लेकर आएँ कि जो कहते हैं ना कि न सिर्फ अभी इस दौरान में लीड कर सकें बल्कि बाद में भी, इलेक्शन के बाद भी जो है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता जनाब। बिल्कुल आमिर साहब, कितना आप लग रहा है आपको वक्फा अभी फिलहाल मामला तय पाने में, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप को तय पाने में, फिर इलेक्शन आने में और हुकूमत बनने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, ज्यादा दिन नहीं है ना कि अगर 12 अगस्त को हमारी असेंबलियों की म्याद मुद्दत पूरी हो रही है तो उससे एक दिन पहले के ये डिसॉल्व करते हैं 2-4 दिन पहले, तो उससे पहले आपको देना पड़ेगा, और अगर उसके बाद करते तब भी आपको पता चल जाएगा, तो ये कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। ये आप देखिएगा कि आने वाले मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने वाजे हो जाएंगी। इस पर स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जा रही कि नून लीग चाहती है कि उसके पसंदीदा लोग आए, पीपल्स पार्टी अपने लोग चाह रही है, नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, हालात किस तरफ जाते हैं आप देख रहे हैं? अगर तो कोई बड़ी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है इलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी ये जो तरमीम की गई है ये जाहिर है ये उससे हर कोई यही सोच रहा है कि शायद कुछ एक्शन होगा इलेक्शन से पहले, तो हालात अब किस तरफ जाते देख रहे हैं? मंजरनामा क्या होगा आगे आने वाले दिनों में इस चेंज के पहले से? ईद से पहले से ही बात हो रही है कि साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी जो है गालिबन अमल में लाई जाए। उसमें हमें हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट में दो सोच नजर आ रही है, एक तो नून लीग के बाद अफराद की शाही खानदान जो उनका ख्वाहिश है कि जी जो साबिक वजीर आजम है उन्हें हर हालत में जेल में होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वहाँ पे जो एक बेटर सेंस प्रिवेल करती है, कहते हैं कि महाजराई को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो ये दोनों बहस है, हो सकते हैं कि उसमें वो लोग हावी आ जाए जो हॉक्स हों और वो कहें कि जी हमें साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करना है, तो हो भी जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब है कि जो एक मज़ाहमत है इस हुकूमत के खिलाफ या उसकी गैर मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि और ज़्यादा जो है फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो उन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अगर आपकी मईशत तरजीहत हैं, आपकी तरजीहत है कि जी हमें इलेक्शन में शफाफ तरीके से जाना है और वो इलेक्शन क्वेश्चनेबल ना हो, तो फिर इस किस्म के इकदाम से असूली तौर पर गुरेज करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक मफादात की सियासत है उसमें मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी अच्छा आमिर साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी आपने साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी की बात की है, साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी तो ठीक आप बता रहे हैं, ऐसी खबरें ईद के बाद से गर्दिश में हैं, जो भी उस जमात से इलेक्शन लड़ता है तो कहते हैं कि जी वो वोट पड़ता है साबिक वज़ीर आज़म को, उस शख्स को नहीं पड़ता। आगे आने वाले इलेक्शन में गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो आपको इस जमात की कितनी पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं इलेक्शन में, या बिल्कुल नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है कि पीटीआई को इंतखाबात में खुलकर हिस्सा लेने की इजाज़त होगी या उसके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे या उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सवाल है कि जनाब क्या बैलेट पेपर पे बल्ले के निशान होगा या नहीं होगा। अब ये चीज़ें अभी देखनी है
अगर फर्ज करें कि एक्सट्रीम सूरत होती है कि पीटीआई को आप इजाजत नहीं देते, तो पूरा जो अमल है इंतखाबात का वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा। और आप देखिएगा कि अगले 5 साल भी इसी तरह जूतों में दाल बट रही होगी। हमें हमारी सियासत को एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये एक एक्सट्रीम केस होगा कि आप किसी भी जमात को कहें कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। मुशर्रफ साहब का दौर था, ठीक है कि नून लीग से बड़ी नाराजगियां थी, लेकिन नून लीग को इजाजत मिली थी इलेक्शन लड़ने की, ठीक है उसका कंट्रोल था, और नवाज शरीफ साहब खुद भाग गए थे, उनका खानदान भाग गया था, तो उसको इतनी ज्यादा वो नहीं हुआ था, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस था। यहाँ पे तो मतलब है पीटीआई जो है, ठीक है उनके जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको इंसाफ होना चाहिए, उन्हें हिमाकत की है 9 मई को उसका इंतजाम होना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जो इन्वॉल्व नहीं है और एक इट्स अ लेजिटिमेट मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, तो उसको फिर के लोग जो राय बनती है तजियाकारों की वो यही बनती है कि आप अब पाकिस्तान में मजीद कशीदगी तनाव की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि साफ शफाफ गैर जानबदार इंतखाबात हों। लेकिन पीडीएम के होते हुए पीडीएम जिस तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आई है पंजाब में, और हमें नहीं पता कि वो क्या लोग लेकर आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो इस बात का अंदेशा ज्यादा है कि हमारे यहाँ जो है सियासी खिंचाव तसादुम महाजराई बढ़ती रहेगी, और ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम लोग जो है क्राइसिस को रिजॉल्व करने के हम उस क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। जनाब बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका आमिर ज़ियाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी ज़बरदस्त इस पर बप दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं, कर सूरत हाल क्या रहेगी ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, उनके मामलात अभी तय पा रहे हैं, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, अलबत्ता इलेक्शन तमाम मसाइल का हल है, तभी कुछ स्टेबिलिटी आएगी पोलिटिकली भी और मुआशी तौर पर भी। आगे जिन्हें बढ़ते हैं, ऐसे में जब पूरी उम्मत मुस्लिमा स्वीडन वाक़े के बाद से शदीद कर्ब में मुब्तला है, दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में इसराइल ने एक बार फिर से नहित्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, और इस बार नहित्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली जारियत के नतीजे में गुज़श्ता रात भी 9 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानब स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, ईरान, इराक, लबनान, शाम, तुर्की, अफ़गानिस्तान, भारत, इंडोनेशिया समेत कई यूरोपी ममालिक और अमरीका में भी मुजाहरे जारी हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, फ़लस्तीनियों पर हमला किया गया, इसे कहा जा रहा है कि बरसों में ये शायद सबसे बड़ी कार्रवाई थी जो कि की गई है, आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? नहीं, फ़लस्तीनियों पर या कश्मीरियों पर ये तो ज़ुल्म ओ तादी जबर ओ सितम बरसा बरस से जारी है उसको अभी ख़त्म होते नज़र नहीं आता है, इसलिए कि जो मुस्लिम उम्मा का एक प्लेटफॉर्म है 57 कंट्रीज का OIC का, वो प्लेटफॉर्म इस मामले में सीरियस ही नहीं है। अपने ही चार्टर में फ़लस्तीन का जिक्र है और अपने ही चार्टर के प्रीएम्बल में फ़लस्तीन का जिक्र है और बाकी आर्टिकल्स हैं जिसमें जिक्र है कि मुस्लिम उम्मा को अगर कोई तकलीफ हो तो उस सिलसिले में कलेक्टिवली उस पर कदम उठाया जाए। उसके कदम उठाने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो ज़ाहिर है फ़लस्तीनी बेचारे वो बरसा बरस से अपनी जाने जाने का नजराना पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीरी भी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यही मामला अगर किसी यूरोपियन कंट्री के किसी ग्रुप या किसी फर्द के खिलाफ हो तो आप देखें कि कितनी आवाज उठती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मजबूत है, वो अपना आवाज उठाना जानती है, उसको पता है कि सैंक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, उसको पता है कि पाबंदियां किस तरह लगाई जाती हैं, उसे पता है कि बायकॉट किस तरह किया जाता है। OIC के पास ये तमाम कुव्वतें मौजूद हैं और OIC उसी तरह बनी है जिस तरह यूरोपियन यूनियन बनी है या नेटो बनी है, क्योंकि वो आर्टिकल वो डॉक्टर जमीन वैसे जितने भी ये दुनिया भर में अलम बरदार हैं ताकत के और अमन की बात करने वाले हैं, क्या इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है? बात ये लोग करते हैं कि अमन अमन और लिव एंड लेट लिव, लेकिन जो सूरत हाल है फ्रांस में आपने देखा, एक नौजवान को पुलिस एहलकार ने कत्ल कर दिया, उसके बाद वहाँ पर इतनी शदीद मुजाहरे तोड़ फोड़ हुई है, फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्वीडन में जो सूरत हाल पेश आई है वो भी सब देख रहे हैं कि मतलब आग लगी हुई है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, जालिम के हाथ रोकने वाला नहीं, कब होगा? नहीं, उसके तरीक़ाकार है ना जालिम का हाथ रोकने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल फोरम पर, उसका तरीक़ाकार है। अगर जो जुलूस जलसे निकल रहे हैं, जाहिर है मुसलमानों के दिल बड़े दुखी हैं, और जिस तरह उसने अपने पैरों तले बेरो
मुति की है हमारी कुरान शरीफ की और कुरान शरीफ के नुस्खे को जिस तरह उसने किया है वो बयान से भी बाहर है, तो वो तो हमारे दिलों को रौंदा है पूरी मुस्लिम उम्मा के। इस मलऊन मोमिका ने जो कि खुद रिफ्यूजी है इराक का, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका तरीकाकार अगर हम अपने जुलूस जलसे निकालेंगे मुख्तलिफ मुल्कों में निकल रहे हैं जो कि ठीक बात है, तो जब तक कि और अपनी अगर इमलाक को जलाएंगी और नुकसान करेंगे तो उससे कोई खास फायदा होगा नहीं, किसी किस्म का नहीं होगा। उसका तरीकाकार मंदरजा जेल है, जिस तरह के मोराको ने किया, उनके सफीर को बुलाया और कहा कि भाई आप इधर से बोरिया बिस्तर बंद करें, पर्सनल नॉन ग्राटा करके अपना सफीर विदड्रा कर लिया, जाहिर है स्वीडन का सफीर भी उधर से विदड्रा हो गया। ये एक डिप्लोमेटिक तरीका सबसे अहम। दूसरा तरीका इसका ये है कि इंटरनेशनल कानून में दिया हुआ है कि आप रिलीजियस को बेस बना के हेट्रेट वाली स्पीच नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल कानून के जद में आता है और इंटरनेशनल कानून को अडॉप्ट करना हर मुल्क रेटिफाई करना चाहिए उसको, और उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए ओआईसी को। ओआईसी के बारे में मैं बताता चलूं कि एक स्टेटमेंट आ गई है, सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट आ गई है, उसकी कोई वक्त और कोई अहमियत नहीं है मां सिवाय उसके एक मीडिया की अहमियत हो जाए या मुसलमानों को थोड़े से जज्बात को ठंडा करने वाली बात आ गई। जो असल चीज की जा सकती है ओआईसी के 57 कंट्री के तरफ से, वो असल चीज ये है कि उसका आर्टिकल 9 है जिसके तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला के, और उस इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि जो सरबराहान है उसमें ये फैसला करें कि हम बायकॉट करते हैं। ये तो सबसे आसान फैसला है ना कि बायकॉट करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स का स्वीडन के, देखें कैसे गुटखा टेकते हैं, कैसे वो इंटरनेशनल लॉ को। लेकिन डॉक्टर जमील, आपको पता है कि ये इस तरह का वाकया 5 महीने पहले भी स्वीडन में पेश आया, 1 साल पहले भी पेश आया, हंगामी इजलास बुलाया गया, अक़्वाम मुत्तहिदा ने तमाम सुफरा को बुला के इजलास किया और जनाब उसमें सख्ती से इस पर रद्द अमल भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाकयात फिर से रोनुमा हो रहे हैं, तो इसको फिर रोका कैसे जाए? हम बयानात देते हैं, हम मुज़म्मत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा क्या करना चाहिए कि वाकई बाज आ जाए? इसके दो ही तरीके हैं, एक तो यह है कि लीगल डिप्लोमेसी जिसके तहत बजाय जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के जो कि बाइंडिंग नहीं होती है, जो कि जिसकी वजह से आप सख्ती नहीं कर सकते, पाबंदी नहीं कर सकते इसी मुल्क पर, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इसलिए नहीं पास हो सकेगा कि इसमें नेटो कंट्रीज हैं, इसमें वो P5 कंट्रीज हैं जो कि इसको वीटो कर देंगे। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका वही है जो मैं भी बयान कर रहा था कि ओआईसी इनके प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करे, ओआईसी कलेक्टिवली रेजोल्यूशन मूव करे जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी, हो सकता है वीटो हो जाए लेकिन कम से कम अपना जज्बात को आर्टिकल 9 के तहत अपने हेड ऑफ सरबराहान की सबमिट करके रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्टेटमेंट पास कर देगा मीडिया के लिए ओआईसी के तरफ से, वो बस ऐसे ही है कि सरे महफिल वो खापों के महल। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी प्यारी सी दो बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी मेहमान हैं ये सहरिश और महानूर, इनकी मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी क्योंकि ये जनाब बड़ी ज़बरदस्त बच्चियां हैं, इन्होंने अपने मैदान में अपना लोहा मनवाया है, क्या करती हैं, कैसे किया, ये सारी बातें इनसे होंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी शहदाए पाकिस्तान को बोल का सलाम पेश किया जाए, वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। सिपाही उमर हयात शहीद इंतहाई निडर इंसान थे जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही उमर हयात ने 20 मई 2023 को जरगूनगढ़ कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। रिपोर्ट देखिए। मुझे फकर है शहादत दी, इस मुल्क वास्ते तू कुर्बान होया, मुझे फकर है, मुझे दुख भी है, अफसोस भी है। नौकरी करन गया और शहीद हो गया, घर आया मैं कहा भी कोई नहीं वेख किया मेरे बच्चा शहीद हो सी,
9 मई को जो लाहौर में जो वाकिब हुए ना तस्वीर शहीदों के जलाए गए तो जो बंदे ने जलाए ना इन्हों को कुछ सजा मिले जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कैसे बयान करूं। उमर हयात से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो ऑपरेशन के दौरान गया और मुझसे कहने लगा कि आप मुझे शादी पे क्या गिफ्ट दोगी। मैंने पूछा भाई आप जो मांगोगे मैं दूंगी। मैंने उससे 2 मरतबा पूछा आप कहाँ भी हो, उसने कहा मैं यूनिट में हूँ, कमरे में हूँ, मैं कहीं पे नहीं हूँ। उसने मुझे सही नहीं बताया और दूसरे दिन फिर अचानक उसकी मौत की खबर आई। मई को जो वाकया हुआ है शहीदों की बेहुर्मत की गई है, उनकी तस्वीरों को आग तक लगा दी गई है। इस बात से मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। भाई उमर शहीद इस वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है ये हमारे गांव का एक पहला शहीद है और उस बहुत बाखलाक और मेहनती इंसान थे, वो उसने अपने गाँव का इस मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारे शहदा हमारे सरों का ताज है, हमारा फ़ख्र है, हम इनको सलाम पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हर लम्हे में हम इन्हें याद रखें। अब आगे बढ़ते, एक वक्त था कि स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हुआ करता था। वक्त बीत गया, हालात भी कुछ बदल गए कि स्क्वाश के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला एक प्लेयर ना रहा। लेकिन अब जनाब उम्मीद की नई किरण रोशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की 2 कमसिन बहनों ने स्क्वाश में कामयाबियों के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। आज हीरो पाकिस्तानी के सेगमेंट में हम इन्हीं दोनों बहनों से मानूर और सहरिश, जिनका तारुफ मैंने आपसे पहले करवाया, आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक बहन शेर तो दूसरी सवा शेर, और दोनों माशाल्लाह से मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो मानूर एंड सहरिश। आप दोनों माशाल्लाह बहुत ही क्यूट और स्माइलिंग फेसेस, सुबह सुबह इनको देख के बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ है। मुझे ये बताइएगा आपने कैसे स्टार्ट किया, शौक था, कब से शौक था? वो तो बचपन से ही था शौक, क्योंकि अब्बू जो है तो हमें फिटनेस के लिए लाते थे और वो उनने भी मेहनत की है, तो बस वैसे ही हम लोग आते जाते थे। जब गेम अच्छी हुई, पता चला कि इस फील्ड में हमें कुछ करना चाहिए, प्रोफेशनल खेलना चाहिए, तो फिर जब मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट किया 3 साल से, तो ट्रेनिंग स्टार्ट की, बहुत टफ होता था फिर भी मतलब करना तो पड़ेगा, तो जब प्रोफेशनली लिया, सीरियस लिया, तो अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह एशिया नंबर 1 में। ज़बरदस्त। और सहरिश? मैंने अपनी बहनों को देखकर स्टार्ट किया, मेरा इतना शौक़ नहीं था, ऐसे ही बुक्स पढ़ती रहती थी, घर में बैठी होती थी, तो इन्हें देखा कि लोग कितने मशहूर है, कितने आगे जा रहे इस फील्ड में, तो मैंने भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो फिर तो इसका मतलब है पूरी फैमिली स्क्वाश खेलती है, स्क्वाश फैमिली है। जी जी। अच्छा, तो अभी क्या, अभी जो माशाल्लाह से आप अब एशिया के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर हो, तो क्या अभी प्लान्स क्या हैं? अभी जो है तो हम लोग 3 दिन बाद मलेशिया जाएंगे, तो हमारा दोनों या सिर्फ आप? हम दोनों जूनियर के लिए सरवाक में जो होगा, तो उसमें मैं पिछली बार अंडर 11 पिनांग में जीती थी, मतलब उसी वजह से मैं एशिया नंबर 1 हुई थी। अभी मैं अंडर 13 खेल रही, अपनी से बड़ी कैटेगरी खेल रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जितनी ट्रेनिंग की है देखा जाएगा, और मुझे तो खुद पे यकीन है कि जीत के आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे कितनी करते हो सहरिश, पहले आप बताओ। ट्रेनिंग हम लोग सुबह के 7 बजे जाते हैं, सही नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं, फिज़िकल फिटनेस पहले करते हैं, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, सोलो ड्रिल्स और सर के साथ ट्रेनिंग, फिर हम लोग 1 बजे तक ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, 1-2 बजे तक, उसके बाद रेस्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करना होता है, स्कूल का काम कर लेते हैं, उसके बाद 5 बजे के बाद दोबारा हमारी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम गेम्स खेलते हैं, फिर 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है फिर। सही। और अच्छा, कौन सी क्लास में आप दोनों? 7th में। सही, तो मुझे ये बताओ मुश्किल लगती है ट्रेनिंग या मज़ा आता है? ट्रेनिंग तो बहुत ही मुश्किल है, तो हम तो बस ऐसे करते हैं कि बस यही एक चॉइस है आगे बढ़ने के लिए, करना पड़ेगा चाहे जो भी हो। अच्छा, आप लोग 5 बहन भाई हो? जी। तो 5 स्क्वाश खेलते हो? एक छोटी है वो नहीं खेलती, और हम चारों खेलते हैं। चारों में सबसे अच्छा कौन खेलता है? बड़ा भाई। बड़ा भाई, और आपस में खेलते हो मज़ा आता है? जी, मज़ा आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा आप दोनों की ट्रेनिंग, तो माशाल्लाह आप इतनी अच्छी कर रहे हो, सुबह सुबह उठते हो, फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद गेम आप लोग करते हो 5 बजे के बाद, खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है या कुछ भी खा सकते हैं?
जो प्लेयर है ना तो उसे डाइट तो बहुत ज़रूरी होती है, वरना इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मुझे भी दो बार इंजरी हुई, अभी अभी टूर्नामेंट से पहले इंजरी हुई थी। तो डाइट तो प्लेयर के लिए जैसे ट्रेनिंग है वैसे डाइट भी ज़रूरी होती है। अच्छा, और आप नॉर्मल लोगों की तरह डाइट नहीं लेनी चाहिए, प्लेयर के लिए बहुत स्पेशल डाइट होती है, मतलब प्रोटीन्स और सब कुछ लेना पड़ता है। मम्मा ख्याल रखती हैं आपकी? मम्मा ख्याल रखती है हर चीज़ का। सही। अच्छा, पढ़ाई में मदद कौन करता है, बड़े बहन भाई करते हैं? मम्मा करती है, वो भी मतलब जो होमवर्क होता है या फिर ये सब कुछ, तो हम लोग तो थके हुए होते हैं तो मम्मा कहती है ये पहले करो, फिर ये टेस्ट या फिर इस तरह कुछ, वो भी याद करना पड़ता है, फिर ऑनलाइन करें हम लोग तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है पढ़ाई। अच्छा, तो अभी आप लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है कोई, कौन आपका एक्सपेंस बेयर करेगा जो आप मलेशिया जाओगी? हमें जो है तो जो अभी हम लोग कराची शिफ्ट हुए हैं एक साल से, तो यहाँ पे जेके स्क्वॉश एकेडमी जो अमेरिकन बिजनेस काउंसिल है, तो अदनान सर हमें अभी मलेशिया के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम सिंध का नाम भी रोशन करेंगे। अदनान सर को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ, हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं इंशाल्लाह। तो अब मलेशिया आपके पेरेंट्स में से कोई साथ जा रहे हैं या अकेले जा रहे हो? अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हो, अच्छा। तो आगे क्या प्लान्स हैं? अभी इंशाल्लाह ये करके जब आ जाओगे फिर क्या करना है? फिर तो अभी हो सकता है एशियन जूनियर के लिए हम तैयारी करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर उसमें देखा जाएगा, वो भी शायद पाकिस्तान में होगा या फिर हम लोग चाइना जाएंगे। तो ये जेके एकेडमी वालों ने ही आपका पार्टिसिपेशन करवाया है, उन्होंने ही सारा किया या फिर आप लोगों ने खुद मतलब कोशिश की? ये पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन एशियन जूनियर के लिए भेजती है क्योंकि वही मेन फेडरेशन है ना, तो इस वजह से वही सब कुछ करेंगी, हो सकता है। तो ये कैसे काम कर रही है? पहले तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था स्क्वॉश, बच्चे भी नहीं को इस तरह सामने आ रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह आप दोनों सामने आई हो, मतलब मुझे तो लग रहा था कि स्क्वॉश शायद ख़त्म हो गई है। किस तरह का रुझान है, आते हैं बच्चे एकेडमी में, बड़ी तादाद में आते हैं, क्या माहौल होता है? काफ़ी बच्चे आते हैं लेकिन कुछ सीरियस नहीं होते या कुछ खेलना नहीं चाहते होते, जो सीरियस होते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं इस वजह से, कम या फिर जो निकलना चाह रहे होते हैं वो बाहर नहीं आ रहे होते या खेल नहीं रहे होते। और ये चूज़ कौन करता है, आपके अदनान सर ही करते हैं चूज़ बच्चों को जो कि फिर आगे खेलने नहीं, के लिए जो परफॉर्मेंस देते हैं उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। स्क्वॉश तो हर कोई खेल सकता है, लाइक उसके लिए चूजिंग नहीं होता, लेकिन जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है, फिर बाहर कंट्रीज में भेजा जाता है। सही। चले, इसका मतलब ये है कि अभी आप मलेशिया से जब आ जाएंगी तो फिर आप होपफुली चाइना के लिए तैयारी करेंगी, वहाँ पर जाके भी आप जनाब इसी तरह चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी, मेरे साथ रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ खूनी पहाड़ के नाम से मशहूर नांगा पर्वत के कैंप 4 में 7000 मीटर से बुलंद मकाम पर फंसे पाकिस्तानी हुए जो को पैमाए डॉक्टर आसिफ भट्टी मंगल के रोज़ कैंप 4 के मकाम पर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए अस्करी एसोसिएशन ने प्लान बना लिया है। इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर आसिफ भट्टी नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश में कैंप 4 पर स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद उनके लिए आंखें खोलना मुमकिन नहीं रहा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ भट्टी पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं, वो गुज़श्ता कई सालों से इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और मुहिमजोई के शौकीन हैं। फ़िलहाल पाकिस्तानी कोपेमा को बचाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्पाइन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं हैदरी करार हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम करार हैदरी साहब। अच्छा, अल्पाइन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे मैं रब्ता करने की कोशिश करी, क्योंकि खबर मैंने पढ़ी है कि ये इस वक्त जो कैंप 4 है वहाँ पर फंसे हुए हैं आसिफ साहब, और ये इस वक्त उनको बिल्कुल नज़र कुछ नहीं आ रहा, ये आंखें नहीं खोल पा रहे, जिसकी वजह से इनको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है और इनको बचाने के लिए भी प्लान तैयार किया गया, ऑपरेशन जारी है और देखते हैं कि इस प्लान में अब कब तक और कैसे इनको वहाँ से रेस्क्यू करके वापस लाया जाता है। आसिफ भट्टी इनका नाम है और ये टीचर है प्रोफेशन के लिहाज से, तो मैं बिल्कुल इनसे बात करूंगी। हमारे साथ करार हैदरी साहब होंगे, लेकिन उससे पहले एक ख़बर है, इंटरबैंक में डॉलर में बड़ी कमी आई है। इस वक्त हमें ज़फ़र पराचा साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 7 रुपये 71 पैसे की कमी को आप किस तरह देख रहे हैं, यही एक्सपेक्टेड था या फिर इससे ज़्यादा कमी आगे चल कर नज़र आएगी हमें? देखिए जनाब, ये जो IMF का माहिदा हुआ है हमारा, तो इससे हमारे यहाँ सेंटिमेंट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और जो लोगों ने होल्ड किया हुआ था वो भी लोगों ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया है, खासतौर पे जो एक्सपोर्टर्स ने रोका हुआ था तो उन्होंने भी सेल शुरू कर दी है,
और एक जो जो लोगों को एक खौफ था कि ये पता नहीं खुदा ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो ये भी हमारी खतरा टल गया है। और आने वाले दिनों में मैं ये देखता हूँ कि डॉलर का रेट मजीद नीचे होगा और ये जो कमी है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो ये कमी है और जो ये कम हुआ है इसको हमको हम इसको किस तरह बरकरार रखते हैं। अगर ये बरकरार नहीं रहता और वापस रिवर्स बैक हो जाए तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल। तो जफर साहब, इसके इफेक्ट्स आप क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हैं, उसमें कुछ बेहतरी आएगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लिक्विडिटी क्रंच तो जो है वो बेहतर होगा क्योंकि क्योंकि जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसको यकीन, उसको हमको बढ़ाना है। फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो तो अब बात की बात है। अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर के ऊपर जितना भी ज्यादा एतमाद करेंगे और उसको जितना हम बेहतर वो करेंगे कि भाई ये जो टैक्सेस खास तौर पे अभी बढ़ाए गए हैं हमको वो टैक्सेस कम करने पड़ेंगे और मजीद उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, तो आप ये देखेंगे लिक्विडिटी क्रंच नहीं रहेगा हमारे मुल्क में। पोटेंशियल बहुत है, हमारे जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर मिसमैनेजमेंट दूर हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, अगर मिसमैनेजमेंट दूर हो जाएगी तो बिल्कुल ये मेंटेन भी रहेगी प्राइस, या फिर ये कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा ही है जफर साहब? जी बिल्कुल, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सिर्फ मिसमैनेजमेंट को अगर हम ठीक कर लें तो इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। अगर आप देखें कि आपका जो जो डॉलर्स हैं उसकी जो हमारी इनकम है वो भी मुनासिब है, तकरीबन एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिला के 60 बिलियन डॉलर्स हमारे यहाँ आते हैं, तो वो भी उसके उसके साथ हमने इसके सामने जो इम्पोर्ट है उसको कंट्रोल में रखना है। अगर उसको कंट्रोल में रख के चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमको मजीद कर्जे लेने नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आए। बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, कफील अहमद भी मेरे साथ थे, आपका भी कफील बहुत शुक्रिया, और इस वक्त पर सहरेश भी मेरे साथ हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो करार हैदरी साहब हैं उनसे भी कुछ रब्ता बहाल हो, तो मैं उनसे पूछूं कि आसिफ इकबाल साहब को वापस लाने के लिए क्या सूरत हाल है, अभी क्या किया जा रहा है। अच्छा मानूर और सहरेश में जाऊँगी, आप दोनों टिप दो, जो बच्चियाँ स्क्वाश खेलती हैं जिनकी परफॉर्मेंस ऐसे अच्छी नहीं है लेकिन शौक उन्हें बहुत है, उनको आप टिप क्या दो? यही कि अच्छी ट्रेनिंग करें, एडवांस की ट्रेनिंग करें। एक होता है कि सिर्फ भगाना होता है, एक होता है आपकी बेसिक पे काम करते हैं। हमारे कराची में आप हमारे बेसिक पे काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी गेम बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इन्हें यही बोलूँगी कि अपनी ट्रेनिंग को एडवांस करें, जैसे अभी आजकल के स्क्वाश टिप्स हैं, और यही कि मेहनत करें बस। और अगर आप सीरियस हैं तो फिर रेगुलर आए प्लीज़। अच्छा रेगुलर आए, अच्छा ऐसा भी होता है कि बच्चियाँ कुछ रेगुलरली नहीं आती हैं? एक दिन आती है फिर दो हफ्ते छुट्टी करती है, ऐसे तो नहीं होगा ना, रेगुलर सुबह शाम गेम करेंगे लगातार। आप लोगों ने भी ईद पे छुट्टी तो की होगी? ईद पे तो करनी पड़ेगी, वो तो फिर हमारा रेस्ट था। रेस्ट? अच्छा घर में खेला था? घर में था एक मेरे अबू ने बनाया था एक छोटा सा स्क्वाश कोर्ट छत पे, हम उसमें सिर्फ अपनी हिटिंग करते थे जब थोड़ी सी, मतलब जब स्क्वाश स्टार्ट की थी उस वक्त, तो बाबा भी थोड़ी हिटिंग कराते थे, मतलब बॉल मारना, रैकेट पकड़ना सिखाना, ये सब कुछ। तो फिर जब यहाँ आए तो अब तो कोर्ट अवेलेबल है। चलें जी, ज़बरदस्त। आप दोनों माशाल्लाह से, इंशाल्लाह मलेशिया से भी आप कप लेके आएंगी, मेडल लेके आएंगी, और आगे फिर चाइना भी जाएंगे। थैंक यू सो मच महनूर और सहरेश, आप दोनों हमारे शो पर तशरीफ लाए। अब नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। मुल्क के हालात ये हो गए हैं कि गरीब तबका तीन वक्त की बजाय एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी इस वक्त सख्त परेशान है। दूध की कीमतें जो कि इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने ये रट लगाई हुई है कि दूध 180 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दूध तकरीबन 220 रुपये तक इस वक्त जा चुका है। आखिर ये क्या सूरत हाल है, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? बात नाज़रीन ये है कि एक गरीब शख्स ने अपने बच्चों को दूध पिलाना है,
और वो दूध उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है और अपने बच्चे को रोता हुआ कोई नहीं देख सकता। अब सूरत हाल ये है कि धमकियां दी जाती हैं फिर कि अगर आप ये कीमत ये नहीं करेंगे, ये रखेंगे तो फिर हम ये कर देंगे, ये करेंगे तो हम ये कर देंगे। पिस्ती सिर्फ आवाम है कि उनको मिलना ही इसी रेट पर जिस पर जनाब गवाला चाहेगा वो देगा और कोई इस पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। कितने का बिक रहा है ये लोग दावा करेंगे 180 रुपए, देने वाले 280 में भी देंगे, उन्हें कौन पूछेगा, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन जुल्म इस वक्त ये हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद मेरे साथ जनाब शाकिर गुज्जर साहब। शाकिर साहब मुझे ये बताइएगा ये जुल्म आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? असल में जी सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बड़ा ममनून हूँ कि बहुत बड़े इशू को और डेयरी फार्मर्स के मुकदमे को ऐवाने वाला तक पहुँचाने के लिए और सारिफ के सामने रखा। तो मैं ये कहूँगा कि ये जुल्म हम नहीं कर रहे, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी या जो ये आने वाली गवर्नमेंट है ये कर रहे हैं। और इदारों में बैठे करप्ट और नाअहल अफसरान जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है दूध की कीमतें कम करना। तो मैं ये कहूँगा कि आप अजनास की कीमतें कम कर दें, हम आपको दूध कम कीमत दे देंगे। अजनास जो 20 रुपए किलो थी वो अब 120 रुपए। आप उनसे ये पूछते हैं कि अजनास जो 20 रुपए किलो थी वो 120 रुपए किलो हो गई है, वो आपको इस पे क्या जवाब पेश करते हैं आपके सामने? असल में जी देखें अजनास की जो मार्केट है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले होती है पूरी मार्केट। और दूध इनपुट आज़ाद है और आउटपुट कंट्रोल है तो फार्मर तो दिवालिए होंगे ना। देखिए शाकिर साहब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। पंजाब जाओ दूध का रेट कुछ और है, अंदरूने सिंध जाओ दूध का रेट कुछ और है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ पे पता जनाब सारे कमाने आए हुए हैं, यहाँ दूध का रेट सबसे हाई है। क्या ये अजनास क्या मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतों पर मिलती है या फिर ये आप लोगों ने खुद ही ये सेट किया हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कराची एक कंक्रीट का जंगल है, यहाँ ख्वा वो ग्रीन चारा हो ख्वा वो अजनास हो, उसके लिए हमें बैरून मुल्क पे या अंदरून सिंध से या पंजाब पे निसार करना पड़ता है। जबकि जिन इलाकों की पंजाब की या अंदरून सिंध की आप बात कर रही हैं वो ज़रई इलाके हैं। कराची की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। नहीं यहाँ देखे ना, यहाँ तो जो ज़रखेज़ ज़मीन है वहाँ इमारतें पैदा हो रही हैं, वहाँ चारा पैदा हम नहीं हो रहा। अपने घर के बाहर क्यारी लगाएं वो एकदम हरी भरी हो जाती है। जी। तो आप क्या बात कर रहे हैं, कंक्रीट का जंगल अपनी यहाँ जगह तो सोसाइटीज बसाई जा रही है ना, ना कि अजनास लगा जाए। आप हमें अजनास कम कीमत दे दें, हम आपको दूध सस्ता दे देंगे। तो आप इस पर ये सारे डेयरी फार्मर्स क्यों जाके बात नहीं करते कि भाई आप लोग इस पर काम करें या हमें कुछ जगह दें या फिर कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि एटलीस्ट अजनास या चारा सस्ता हो? असल में जी देखें तमाम गवर्नमेंट्स को लिख चुके हैं, तमाम मुतालिका इदारों को लिख चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो महकमा लाइव स्टॉक है चारों सूबों के, फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का मामला है क्योंकि ये मामला है फूड सिक्योरिटी का, दूध की पैदावार का कम होना और दूध का महंगा होना, दूध का ना मिलना, मिलावट ज़्यादा दूध मिलना, दूध की कम पैदावार से मशरूत है ये सब चीज़ें। अगर आप ऐसे हालात पैदा करेंगे कि दूध की पैदावार बढ़े, मवेशियों को जेनेटिकली इम्प्रूव करेंगे, उनकी दूध देने की सलाहियत को बढ़ाएंगे, तो आपको दूध की कीमत की बजाय दूध की मकदार ज़्यादा मिलेगी और दूध की कीमत ये कि सरफ़ नज़र किया जा रहा है। यकीनन तो बड़े अफसोस की बात है अगर सरफ़ नज़र किया जा रहा है। फिर एक चीज़ और भी है कि जनाब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखें मेरी ज़रूरियात पूरी किए बगैर अगर अजनास के बाय प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे तो मुझे तो इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ना, और जब मैं इंपोर्ट का सहारा लूंगा तो यकीनन उसका बोझ सारिफ उठाएगा क्योंकि महंगी अजनास। अजीब सी बात है कि कोई चेक इन बैलेंस ही नहीं है कि अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही और आप बाहर भिजवा रहे हैं और जो यहाँ बैठा हुआ बंदा उसको बाहर से फिर मंगवाई भी जा रही है चीजें। ये हम बारहा समझा चुके हैं जी। देखे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने पिछले दिनों बोहरा अरब के पानियों में 14 सोयाबीन के और कैनोला के जहाज रोक दिए, उससे यकीनन मुल्क भर में आपकी बदनामी भी हुई जिन्हें बाद में आपने रिलीज़ भी किया, तो वो आप पहले कर लेते। उसका इम्पैक्ट आया डेयरी पे जब पोल्ट्री ने मुतबादिल प्रोटीन सोर्स के लिए मकामी अजनास उठाए मार्केट से, तो वो अजनास हमारे लिए महंगे हो गए। जब वो हमारे लिए महंगे हो गए आपके लिए दूध और गोश्त महंगा हो गया। इस वक्त दूध की कीमत क्या होनी चाहिए? दूध की कीमत 280 रुपए लीटर होनी चाहिए। 280 रुपए? जी हाँ, आप तो बहुत आगे जा रहे हैं। ये जस्टिफाइड कीमतें मैं बता रहा हूँ। देखे जी हमारी तो हमारी नजर में वो अच्छे हैं जो एटलीस्ट कम से कम 230
पे तो रुके हुए। असल में जी देखिए मैं बताऊँ आपको, ये भी 230 मेंबर्स के मुश्तरका जो इजलास है उसमें इसका फैसला हुआ है। कमिश्नर साहब से गाहे बगाहे मीटिंग्स हुई हैं और पिछले माह कमिश्नर साहब के अहकाम पे दूध की कीमतों में 10 रुपये लीटर की कमी की गई थी कि मैं आपको नोटिफिकेशन, पता नहीं कहाँ आपने कमी करवाई है शाकिर गुजर साहब, सीरियसली मुझे तो नज़र नहीं आई है। दूध हमें 230 रुपये लीटर ही मिल रहा है और ये अब से नहीं कब से मिल रहा है। और यकीन कीजिए वो वक्त था जब 80-90 रुपये लीटर हुआ करता था और वहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ ब्रेक लगा जाके 230 और आप तो 280 पर चले गए हैं। इस वक्त कौकब इकबाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन के। कौकब साहब, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे सारी सूरत हाल में? गरीब शख्स ने अगर बच्चे को दूध पिलाना है जिसकी दिहाड़ी इस वक्त 500 रुपया हो अगर, तो वो किस तरह पिलाएगा? ये तो कह रहे हैं शाकिर गुजर साहब की कीमत दूध की 280 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। ये शाकिर गुजर साहब ने जब से चार्ज संभाला है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की के सदर बनकर, जब से आप ये देखिए कि इनकी ये दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं इनके साथ तो असल में दूसरी तमाम जितनी भी एसोसिएशन हैं वो ही इनके साथ एग्री नहीं होती हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा 10 रुपये कम कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कमिश्नर साहब ने कहा था जब हमारी मीटिंग हुई कि 180 रुपये जो सरकारी रेट है, उसी दिन मीटिंग में कहा कि 3 बजे के बाद जो दुकानदार नहीं बेचेगा, जो डेयरी फार्मर्स नहीं बेचेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मगर अफसोसनाक अमर है कि ये इन्होंने वॉलंटरी तौर पर कोई कीमतों में कमी नहीं की। जैसे आपने कहा कि पूरे कराची में वही 220 पे बिकता रहा, 180 का रेट था, 220 पे बिकता रहा, अब तो 230 पे चला गया, फिर 20 रुपये का इजाफा करेंगे। आप ये बताइए कि जो गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए दूध खरीदता है, और ये दूध सबसे पहली बात तो दूध की कीमतों का तय होने से पहले ये बताया जाए कि कराची की किस दुकान पे दूध खालिस मिलता है, ये गारंटी देते हैं, लिख के देते हैं स्टैम्प पेपर पर कि ये दूध खालिस इस दुकान पे मिलता है, ये दे ही नहीं सकते क्योंकि आप 12 बजे रात में लेने के लिए जाएंगे दूध तो जब वो झाग वाला दूध मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो एक और बात मैं आपको बताऊं, जो जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं, दो जिम्मेदार हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साहिबान और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान बिल्कुल जो है हुकूमती रिट कायम करने में नाकाम है और उन्होंने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते, कोई इनकी दुकानों को सील नहीं करते। लेकिन अब इसमें कौकब साहब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ठीक है कराची कंक्रीट का जंगल है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज है और बड़े बड़े मैदान है जो खाली पड़े हुए हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि चारा उगे और एटलीस्ट कराची के वासियों को प्रॉपरली दूध के हुसूल के लिए कि डिमांड पूरी की जा सके, चारा भी सस्ता हो और जानवरों को भी जेनेटिकली बेहतर किया जाए ताकि यहाँ सस्ता दूध मिले? ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अजनास है वही हमें इतनी महंगी मिलती है, मजबूर है दूध महंगा करने पर। देखिए मजबूर मजबूर कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ ये सब घोसले हैं और ये गैर बयान बातें हैं। मैं आपको बताऊँ 70 लाख लीटर की बात मेरी अगर सुन ले, 70 लाख लीटर पर डे की कंजम्पशन है कराची के अंदर और पूरे महीने दूध बिकता है, कोई नागा नहीं होता क्योंकि चाहे आंधी हो तूफान हो बारिश हो दूध बिकता ही बिकता है, वही 70 लाख लीटर और उससे भी कंजम्पशन बढ़ जाती है। मगर और दूध गर्मियों में ज़्यादा बिकता है क्योंकि लोग जो है अपने घरों में लस्सी भी बनाते हैं, दही भी जमाते हैं, सब कुछ करते हैं और दही ये लोग जो दही है उससे भी पैसे कमा रहे हैं। अभी दूध दो चार मैं आपको बात बता दूँ, एक तो ये दूध महंगा करते हैं, दूसरी तरफ दही से पैसे कमा रहे हैं, दही की कीमत मुकर्रर सरकार की नहीं है, दूसरी तरफ लस्सी की रेट की कीमत मुकर्रर नहीं है क्योंकि सिर्फ हुकूमत को इख्तियार है दूध की कीमत मुकर्रर करने का और जब भी हुकूमत ने दूध की कीमत को मुकर्रर किया है ये बाहर निकल के बल्कि कमिश्नर ऑफिस में बैठ के ही ये ऐलान कर देते हैं कि जनाब 20 रुपये और आगे बढ़ेगा। तो भाई तय क्यों करते हो तुम कमिश्नर के साथ उस वक्त तय कर लेते हो, साइन करते हो सारे के सारे, उसके बाद जो बाहर निकल के ठीक है। कौकब साहब मेरे साथ रहेगा, शाकिर साहब इतनी गलत बयानी कर रहे हैं आप, देखेंगे ज्यादती है। यकीनन जी कौकब साहब के बकौल तो ज्यादती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कौकब साहब हम इकट्ठे कमिश्नर ऑफिस में दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है उस पर बैठ के बातचीत हम करते हैं और डिप्टी कमिश्नर मलीर ने दूध की पैदावारी लागत पे काम किया है और एसी मलीर ने जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के बाद वो 222 रुपये लीटर एक्स फार्म गेट है,
उसमें 6 रुपये फ्रेट है, फिर 10 रुपये हमारा प्रॉफिट है, 10 रुपये होल सेलर का और 12 रुपये रिटेलर का, तो वो भी उनके हिसाब से भी 260 रुपये लीटर दूध की कीमतें होनी चाहिए। और हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के तवसुत से, देखें हम तो वायलेशन नहीं करना चाहते और हमने रजाकाराना तौर पे उन लोगों को मजबूर किया जिन्होंने कीमतों में इजाफा किया था और 10 रुपये लीटर में कमी करवाई पिछले माह 9 जून को, और कमिश्नर साहब ने फिर वादा हमसे किया था दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन करने का, तो उन्हें चाहिए था वो नोटिफिकेशन करते। वायलेशन की तरफ कोई भी नहीं आना चाहता, कौन चाहता है कि छापे हों, गिरफ्तारियां हों। हम मौजूद शहरी हैं जी, हम भी ये नहीं चाहते कि हमें गिरफ्तार किया जाए। जी कौकब साहब आप कहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि शाकिर गुज्जर साहब ये कह रहे हैं कि 10 रुपये हमने कमी की। आप पूरी कराची में तमाम आवाम से पूछ लिए कि किस दुकान पे 10 रुपये कमी नहीं। इस बात की तो मैं भी गवाह हूं, कहीं कमी नहीं हुई, कहीं कमी नहीं हुई, ये गलत है। देखिए मैं आपको बताऊं वायलेशन ये क्या करते थे, जब भी दूध की कीमतें तय हुई ना, अभी तो तय नहीं हुई, जब भी दूध की कीमतें तय हुई इन्होंने जो है 10-20 रुपये इजाफा कर दिया उसके अंदर, उसी दिन उसी वक्त। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? असल में जी देखें, जब आप दूध की कीमतों में और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क रखेंगे नोटिफिकेशन, तो हम तो फिर इजाफा करेंगे। जी जरा क्विकली बताइएगा कॉकअप सर, टाइम चूंकि कम है। मैं क्विकली बताता हूँ आपको, 70 लाख लीटर की हमारी कंजम्पशन है, 60 लाख लीटर महीने का बिकता है, और 20 रुपए अगर बढ़ाते हैं तो 6 अरब 80 करोड़ रुपए जो है तारफीन की जेब से निकलते हैं। आप ये बताइए कि क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, ये बात समझने की कोशिश करें, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। इनको एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहबान अपने दफ्तरों में बिठाते हैं, हमें तो जो है हम जाते हैं, मीटिंग खत्म होती है, अपना दफ्तर लपेट के वापस आ जाते हैं। इनके साथ क्या साजबाज हो रही है, इनके क्या साथ साजबाज हुई आखिरी मीटिंग में आप लोगों के साथ? नहीं जी, हमसे तो कमिश्नर साहब मिले ही नहीं, ये और हम इकट्ठे ही बैठे थे मीटिंग में, कमिश्नर साहब आए नहीं। हमने तो बारहा उन्हें कहा कि जी आप नोटिफिकेशन करें, हम वायलेशन नहीं करना चाहते, हमने आपके कहने के मुताबिक कीमतें कम कर दी, तो यकीनन फिर उसके बाद तो स्टेक होल्डर ने मिल बैठ कर ऐलान कर दिया। और उसमें मैं एक बात बताऊं, कौकब साहब इसको मिली भगत और साजिश कह रहे हैं जो कि मिलके की जा रही है और लूटा जा रहा है कराची के शहरियों। असल में कौकब साहब हमारे मेहरबान दोस्त हैं, ये जो भी समझते रहे यकीनन मैं इनकी सोच पर पहरा तो बिठा नहीं सकता। तो यकीनन दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या पे कीमतें मुकर्रर होती हैं, दूध की कीमतें कौकब साहब की, मेरी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात में मुकर्रर नहीं की जा सकती। दूध की कीमतों के मुकर्रर होने में जो अवामिल कारफरमा है उसके पीछे उसकी इनपुट कास्ट है, इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो आउटपुट कास्ट बढ़ेगी, और यकीनन कंज्यूमर सोसाइटी या कमिश्नर कराची हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम कम कीमत दूध फराहम करें। कमिश्नर कराची हमारा नुकसान करके दूसरे का फायदा कैसे कर सकते हैं? अगर मेरा नुकसान हो रहा होगा तो मैं क्यों दूंगा नुकसान में दूध? मैं तो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कहूंगा ना, आपने कौकब साहब आप बता दें, कौकब साहब आप बता दें साजिश क्या हो रही है? आप लोग जो मैंने बताया है इतनी बड़ी फिगर 6 अरब 80 करोड़ रुपए 20 रुपए बढ़ाने से बढ़ते, तो आपने तो 180 रुपए का जब रेट तय हुआ था उस वक्त ही बढ़ा दिए थे, वो पैसा कहाँ गया ये बताए ना पहले ही। वो कहते पहले कोई दलील ना थी, कोई जवाब ना था, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ करते थे। ये हमसे पेपर पे बात करें जी, दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात करें, मौजूद डिप्टी कमिश्नर मलिक ने दूध की पैदावार लागत पे काम किया, आप उनसे बैठ के उस पे बात कर लें। अगर आप हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात नहीं करना चाहते तो आप गवर्नमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे और मुतालिका महकमा लाइफ स्टॉक से आप दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कब साफ बनवा लें, और आप कहीं मैं आप उसे फिर चैलेंज करें, और आपको कोई एतराज है आप कोर्ट में हमारे सामने खड़े हो आके आप हमें हाई कोर्ट में खींचे, आप अगर हम गलत हैं रहते कोर्ट में, आपने तो कमिश्नर ऑफिस में बैठ के कहा कि मेरे खिलाफ पर्चे होते हैं, मैं जो है वो उसमें जाके, यार गरीबों के ऊपर रहम करो, अपने अपना आपने सारे खर्चे अपने गरीबों पे रहम करे जी, वफाकी गवर्नमेंट करे, गरीबों पे रहम करे, महकमा लाइफ स्टॉक सब्सिडी दे ना जी, हम क्यों सब्सिडी दे सारिफ को, सब्सिडी दे सारिफ को, हुकूमत वक्त दे, हम दूध की कीमतें कैसे कम करेंगे जी जब दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कौकब साहब और प्रोडक्शन क्या है, इनके भाड़े कितने सरकार नहीं जी, ये ज्यादती कर रहे हैं कौकब साहब, ज्यादती कर रहे हैं कौकब साहब आप हमारे साथ, यकीनन ये आपकी बात गैर मुनासिब है। गुजर साहब पहले बात को पहले सुनिए, गुजर साहब दरमियान का रास्ता निकालना जरूरी है। देखिए आप जाती कर रहे हैं, देखिए ब्लेम गेम, ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं है। पानी मिला दूध क्या दुकानों पे नहीं बिकता?
आप लोग ये बताएं ना कि खाली साहब से रेट असल में जी देखें, अब कल से जो छापे गिरफ्तारियां रिटेल के साथ हो रही है, आप मुझे से मुझे साहब ये बताइएगा कौन बिकवाएगा, कमिश्नर साहब कोई कुछ थोड़ा सा आप लोग भी करें। खुद कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, यकीनन हम 230 को ज्यादा बोल रहे हैं, आप 280 की बात कर रहे हैं। देखें जी अगर ये बैठे ना हमारे साथ बैठ के जो जमूतारी हो गया ना एकदम लास्ट मीटिंग के बाद वो जमूत को खत्म करें, बैठे और नोटिफिकेशन करें। और मैं कौकब साहब एक मिनट, कौकब साहब एक मिनट रुकेगा। शाकिर साहब देखिए इसका कोई रास्ता, कोई दरमियान का रास्ता निकालें, ये कोई हल नहीं है। देखिए गरीब परेशान है, आपको पता है, आप खुद भी देख रहे हैं महंगाई किस कदर बढ़ गई है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बुनियादी जरूरत है हर घर की, बच्चों के लिए चाहिए होता है, यकीन है, यकीन। कुछ तो कम करें आप लोग। असल में जी देखें दूध की, हम तो यही चाहते हैं कि दूध कम कीमत फरोख्त हो, आप हमें अजनास कम कीमत दे दें, मवेशी कम कीमत दे दें, हम आपको दूध सस्ता दे देंगे। और हम इस चीज पे यकीन रखते हैं 280 रुपए बहुत ज्यादा है। शाकिर साहब रहम करें थोड़ा सा, 280 नहीं, जो भी हम मिलजुल के बैठ के 230 में तो हम कह रहे हैं कम करें, डॉलर भी सस्ता हो गया। तो 230 तो रह नहीं सकता ना जी, मैं तो देखें इस बात पे यकीन रखते हैं हम लोग जी। बातचीत के जरिए एक सवाल का जवाब ये शाकिर गुज्जर साहब देते हैं, फिर बैठ के हम बात करेंगे। बात ये है कि जब गवर्नमेंट ने 180 रुपए का रेट पे कर किया तो उसके बाद ये 220 क्यों बेचते रहे, उसके बाद इसका मतलब ये है कि पैसे हमारी जेबों से गए ना शाकिर गुज्जर साहब, उसका हिसाब कौन देगा ये बताइए ना कौन को? साहब उस पर मैं ये कहूंगा कि दूध की पैदावारी लागत या महंगाई या इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहा और आपने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं किया, और जब इदारे वक्त पे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो फार्मर मजबूर है दूध की कीमतें बढ़ाने पे। लेकिन शाकिर साहब जो देखिए हुकूमत की रिट भी तो कोई चीज है ना, अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो दूध तो उसी रेट पे बिकना चाहिए था। अगर आपको इख्तलाफ था तो आपको बैठ के बात करनी थी, उस नोटिफिकेशन के थ्रू ही कीमतों को अप्लाई करना था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि उन्होंने 180 रुपए किया और आप 220 में बेच रहे हैं? आपकी इस बात को मैं एडमिट करता हूं, दूध की कीमतें वही होनी चाहिए जो नोटिफिकेशन के मुताबिक हो, और यकीनन कमिश्नर कराची को भी देखे 180 रुपए नोटिफिकेशन आज और 220 में बेचेंगे, गुंडागर्दी नहीं कर सकता। कमिश्नर कराची को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, दूध की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि आगे इलेक्शन खड़े हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप इजाजत देगी तो नोटिफिकेशन होगा। मैं समझता हूँ आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप इजाजत नहीं दे रही है। आप लोगों ने मसले का हल ये निकाला हुआ है कि तुमने जो नोटिफिकेशन देना दे दो, हम अपनी मर्जी से इसी रेट पे बेचेंगे, पीना है तो पियो, नहीं पीना तो भाड़ में जाओ। देखिए जी हम तो अपनी कीमतें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक ही दे सकते हैं, उससे तो कम हम नहीं कर सकते। और मैं उसमें आपको बार बार कह रहा हूँ कि दूध की बढ़ेगी, रुकेंगी नहीं दूध की कीमत। टाइम बिल्कुल कम है, कौकब साहब जल्दी से कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करती है ना, वो तो नहीं डाल देती कि मैंने जो है 2 अरब रुपए या 5 अरब रुपए अपनी इस प्रोडक्ट के लिए निकाले तो मैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके ऊपर डाल दूँ। अरे भाई ऐसा नहीं होता, आप लोग तो सारी चीजें जो है इसके ऊपर डाल देते हैं, इस तरह नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करो, अगर जेब में पैसा नहीं है तो ये कारोबार छोड़ दो आप जो है ये अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे। रोजाना 45 लाख लीटर शहर को सप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं, उसमें कोकब इकबाल साहब की इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है। और हमारी इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी हमारा हक है। और आप ये कहें कि मैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कीमत पे दूध शहर को हम दे रहे नहीं देंगे जी, बिल्कुल मेरी बात सुने कौकब साहब, सारी बात में लुबे लुबाब ये है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, कितना पानी मिल रहा है कोई देखने वाला नहीं है, कितना मुजरे सेहत दूध है कोई देखने वाला नहीं है, नोटिफिकेशन ये जारी हुआ उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है। तो जुल्म ये अवाम के साथ किया जा रहा है और हल निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये बहस मेरा ख्याल है पूरा दिन निकल जाएगा, इसका हल नहीं निकलेगा। हल हमारे पास है, हम इंशाल्लाह बायकॉट मुहिम शुरू करेंगे और फिर देखेंगे। बड़े शौक से बायकॉट करें जी, देखें दूध की कीमतें दूध की पैदावार बढ़ने से कम होगी ना कि आपके बायकॉट से। आपने पहले भी बायकॉट किए हैं, आपने आप क्या करेंगे, आप एक किसान को तबाह करना चाहते हैं, आप डेयरी फार्मर्स के पीछे लगे हुए हैं, आप गरीब डेयरी फार्मर्स को हिजरत करने पे मजबूर कर रहे हैं अंदरूनी सिंध और पंजाब, आप नाजायज कर रहे हैं। कौकब साहब हमारे साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बातचीत के जरिए मसले को हल करें ना कि हम बहस करें। बातचीत हर मसले का हल है, इस पर बैठ के बात होनी चाहिए ताकि कोई रास्ता दरमियान का निकले कि जो कि आप लोगों के भी हक में हो और आवाम के हक में भी हो। बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब और शाकिर गुज्जर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आप रहम करें, ये मेरी भी गुजारिश है आपसे ذاتی طور پہ।
अच्छा एक ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। खूबसूरत आवाज जिसको कहते हैं ना कि पक्के सुर, ये खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी है जिसमें सुर बड़े पक्के हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 6 में लोक गुलकारी से शोहरत पाने वाले गुलकार असद अब्बास शदीद अलील है और हुकूमत से इमदाद की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपील क्यों की जाए? क्या अपील से पहले ही कुछ बेहतर इंतजाम करना या देना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया भर में सेहत की सहूलियात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बजट में ज़्यादा रकम सेहत और तालीम के लिए मुख्तस की जाती है, लेकिन हम शायद इस काबिल नहीं है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि माजी में हमने कई बार ऐसे दावे सुने कि फ़नकारों के लिए ख़ास फंड्स कायम किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम हर कुछ अरसे के बाद इन्हीं हालात से दो चार होते हैं। गुलकार असद अब्बास के गुर्दे फेल हो गए हैं, इन्हें हफ्ते में 3 से 4 मरतबा यानी कि महीने में 13 से 14 मरतबा डायलिसिस से गुजरना पड़ता है और डायलिसिस आप जानते हैं कितना तकलीफ दे अमल है। गुलकार असद अब्बास ने बताया कि वो डायलिसिस से गुजर रहे हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि उन्हें आलमगीर की तरह इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल करने की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ा दुख भी है और मैं अपील भी करूँगी हुकूमत से कि प्लीज़ इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए और उनको इमदाद फराहम की जाए। इस वक्त मेरे साथ असद अब्बास साहब मौजूद हैं। असद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस नाचीज को दोबारा से याद किया और जजाकअल्लाह जी, बहुत आपकी आवाज़ और आप तो दिलों में बसते हैं, आपको याद नहीं किया जाता, आप याद रहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी तबीयत है आपकी? वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। क्या बात है, कैसी तबीयत, कैसी आपकी? जी अल्लाह का करम है, हर हाल में उसका शुक्र है और आपकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। फिलहाल डायलिसिस तो चल ही रहे हैं, तो सब्र भी अल्लाह की ज़ात दे ही देती है। नहीं, मैं यकीन कीजिए कि मैं हैरान हूँ और मैंने आपको देखा है और मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप कितने मजबूत असाब के मालिक हैं, कि आपने बीमारी को खुद पर तारी नहीं किया, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, तो मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। मेरे रब्बे जलील का करम है, उस परवरदिगार का करम है कि मुझे हौसला, हालांकि तकलीफ़ों ने मुझे घेरा हुआ है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ दुनिया में, वो मेरी माँ है, वो भी मुझे छोड़कर चली गई इस तकलीफ की वजह से, और मेरी बड़ी बहन, वो भी मेरी माँ ही थी, मेरी माँ की तरह ही थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, और मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, उसको भी पैदाइशी मसला है, उसके पेट का मसला है, ये भी तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और सबसे पहले आपको शिफा अल्लाह ताला अता करे कि आप फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम ये सुनते रहें। और मैं पहले इंशाल्लाह तो मुझे ये बताएगा असद के ये कब आपको बीमारी का पता कब चला? 7-8 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया था, हाई बहुत ज़्यादा, तो मैंने चेकअप जब करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा आपके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इस्लामाबाद हॉस्पिटल में गया था, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल था इस्लामाबाद में, प्राइवेट था जी। तो फिर मेरे उन्होंने डायलिसिस शुरू कर दिए, मुझे 6-8 महीने एडमिट रखा हॉस्पिटल में। डायलिसिस के बाद फिर मेरा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमने अपील की कि हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने मुझे गुर्दा डोनेट किया था, बाकी मेरे घर वाले सारे पेशेंट थे, तो मेरे बड़े भाई ने जो गुर्दा दिया था वो भी ख़राब हो गया, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है ये। डायलिसिस पे मैं 7-8 साल से था, उसके बाद वो तब से लेके आज तक 8-10 करोड़ रुपए जितनी भी जमा कुंजी थी मेरे पास, जो कुछ भी था मेरे पास, 2 घर लाहौर में थे, 2 फैसलाबाद में थे, 4-4 गाड़ियाँ थी मेरे पास, मर्सिडीज थी, ट्योटा थी, होंडा थी, मतलब मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ही, मुझे शुरू से गाड़ियों का शौक रहा है, घर बनाने का शौक रहा है, तो वो सारा कुछ मेरा इस बीमारी पर लग गया। तो अब बिल्कुल मैं बता नहीं सकता हूँ मैं किस हालत में बैठा हूँ। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मुझे असद ये बताएगा, अब तक आपकी हेल्प किस किस ने की, आपकी अपनी कम्युनिटी में से किसी ने की आपकी हेल्प? जी मैंने बड़ी अरसे से मैं अपील तो कर रहा हूँ हमारे तमाम, सबसे पहले तो मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी, सियासतदानों से, तो मुझे किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने मीडिया में अपने तमाम कोलीग्स इन सब से मैंने अपील की थी कि मुझे तावन करें, तो किसी ने भी मुझे तावन किया सवाए इमरान अशरफ भाई के,
क्योंकि मैंने उनके ड्रामा सीरियल का ओएसटी गाया था। तो वैसे भी मेरे बड़े प्यारे मोहसिन हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, छोटे भाइयों की तरह मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। तो उन्होंने अपने इंस्टा पे मेरा जहां तक मुझे याद है रक्से बिस्मिल का शायद आपने गाना गाया है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये गाने की स्टोरी ये है। इससे पहले ये गाना मेरी एल्बम का गाना था कदी आमिल सामली यार वे, तो वो पहले भी वो बड़े प्यार से सुनते रहे इमरान भाई, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि ये मैं गाने को ड्रामा सीरियल का टाइटल बना लेता हूँ और ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से इससे पहले भी मेरा गाना ये पूरी दुनिया में वायरल था मेरी आवाज में, और ड्रामा सीरियल होने के बाद भी मेरी आवाज में। मैं आपकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ और आपका ये वाला गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी ये ख्वाहिश है, वैसे तो मुझे पता है कि आप इतनी तकलीफ से गुजरते हैं और जाहिर इंसान की जब सेहत वैसी ना रहे तो उस तरह से इंसान नहीं गा पाता, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे ये बता रही है कि आपका दिल उसी तरह जिंदा और जवान है। मुझे सुनाएंगे ये वाला गाना? बिल्कुल, मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा, अपने तमाम देखने सुनने वालों से, अपने फैंस को सुनाना चाहूँगा। लाखों करोड़ों लोग ये पहले भी पसंद करते हैं, अल्लाह का करम ये रहा है कि मेरी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ, बाकी मेरी पूरी ज़िंदगी और बॉडी सब कुछ चेंज हो गया है। मैं आपको सुनाता हूँ, टाइम है ना आपके पास थोड़ा, मैं ज़रा अपनी वेरिएशन के हिसाब सुनाऊँगा। जी जात दूर दे मत जात, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखलात, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। क्या बात है आपकी असद साहब, आपकी आवाज में जो दम है ना, अल्लाह ताला इस दम को कायम रखे और आप इसी तरह गाते रहे। और ये शख्स नाज़रीन इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है और इसकी आवाज, मैं नहीं ये चाहती कि कभी बंद हो, मैं ये चाहती हूँ कि हम सुनते रहें, और यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ हम सुनते रहें, तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें, जितनी हो सके हेल्प करें। और ज़ाहिर है इसका अजर तो अल्लाह ताला देने वाला है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी आपको दुआएं देंगे। असद, अगर आपके पास कोई आपका अकाउंट नंबर है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई अगर आपको इमदाद या किसी भी तरह की आपकी हेल्प देना चाहे तो वो भी दे सकता है। स्क्रीन पर बल्कि हम दिखा देते हैं, हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास है, आई थिंक स्क्रीन पर हम चला देते हैं। अब मेरी बैंक डिटेल्स भी साथ वो लगा दीजिएगा, असद अब्बास के नाम से टाइटल आएगा मेरा, असद अब्बास अपना हबीब बैंक में मेरा अकाउंट है। तो ये मैं पढ़कर भी आपको सुना देता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो। ये इंटरनेशनली मेरा अकाउंट है, तो जितने भी मेरे फैंस हैं इंटरनेशनली वो मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है जी, हबीब बैंक में अकाउंट है PK46HABB0001437900548101, असद अब्बास PK46HABB00014379 1439 1437 900548101। अगेन सुना देता हूँ, सॉरी, PK46HABB00014379
1437900548101 असदाबाद। बिल्कुल, और जितने भी हजरात स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वैसे ही अपने फनकारों गुलकारों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो मैं चाहूँगी कि मेरी उनसे अपील है कि इनकी मदद करें और ताकि इनका हौसला बढ़े, इनकी मदद होगी तो ये आवाज़ आज हम जो सुन रहे हैं, खूबसूरत आवाज़, पक्के सुर, ये हम सुनते रहेंगे। और मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था असद, जिसमें आप ये कह रहे थे कि मैंने इस बीमारी के टाइम में अपनों में छुपे गैरों को और गैरों में छुपे अपनों को जो है वो पहचाना है। मेरे मौला अली अलैहि सलाम का फरमान है कि बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने, अपने गैरों में छुपे अपने, ये सब नज़र आते हैं। यानी कि ये सारा आपको दुनिया में ही पता चल जाता है, अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ताकत दे, आप इंशाल्लाह इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। हो सकता है आपको किडनी मिल जाए, तो अल्लाह ताला करम कर दे, अपना आप सेहत याब हो जाएं। हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसले में रहना है, बाकी सबसे बड़ा मददगार तो हमारा परवरदिगार है। एक और भी मैं आपसे हजरत मौला अली का फरमान शेयर करना चाहूंगा कि जिंदगी वो नहीं जो तुम सोचते हो, जिंदगी वो है जो तुम जीते हो। एक वक्त में असद अब्बास बादशाह था, इस वक्त में असद अब्बास फकीर है, तब भी शुक्र अदा था अल्लाह का, अब भी शुक्र अदा है अल्लाह का। असद अब्बास आज भी बादशाह, और इंशाल्लाह ये बादशाह ऐसे दिलों में जिंदा रहेगा, अपनी आवाज का जादू जगाता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, अब अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इस वक्त हमें उनसा शाह भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी हम जनाब शामिल गुफ्तगू करते हैं। सितारों का अहवाल जानना भी बहुत जरूरी होता है। उनसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। भाई डॉलर को तो रिवर्स गियर लग गया है, मुझे लग रहा है कि चीजें अब जल्द बेहतर होंगी, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? जी बिल्कुल, देखिए IMF से जैसे ही मुआहिदा हो गया है तो जाहिर है डॉलर को तो नीचे आना था, और बाकी हालात जो हैं वो आके अनसर्टेन तो हैं, अनसर्टेनिटी तो आगे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 of Cups का कार्ड है और King of Cups का कार्ड है, तो दो दो वाटर के कार्ड हैं, और वाटर का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी को शो नहीं करता, तो ये स्टेबल नहीं है। ये जो डॉलर अगर नीचे आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि और मजीद नीचे आएगा, तो अनसर्टेन सिचुएशन रहेगी, अप्स एंड डाउन्स डॉलर के रहेंगे और हालात में थोड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, आगे भी तलवारें हैं, मुश्किलात जरूर हैं आगे अवाम के लिए। किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, इस वक्त जो है वो अवाम को कोई अहम फैसले ले सकते हैं, मुश्किलात तो मुझे आगे भी हैं कि अगेन फिर किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, 9 of Pentacles का कार्ड है, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट जैसे प्रेडिक्शंस में भी मैंने कहा था कि मुल्क में पैसा आएगा और बिजनेस जो कर रहे हैं, उन जिन लोगों का बिजनेस बिल्कुल ही स्टक हुआ हुआ है, रुका हुआ है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि बेहतरी नजर आ रही है, मुल्क में पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, तो बिजनेस जो है उसमें चले जी, अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हों, पैसा मुल्क में अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। उनसा मुझे ये बताइएगा कि सियासी मंजरनामा क्या देख रही हैं आप, इलेक्शंस भी कहा जा रहा है कि भाई करीब है अब, तो सिचुएशन किस तरफ जाती देख रही हैं? इलेक्शन का बिल्कुल, पीपल्स पार्टी या नून लीग कौन स्ट्रांग है, कार्ड्स ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये बताएं। ये न्यूज का कार्ड होता है पेज ऑफ कप्स, तो बहुत जल्द जो है विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो इलेक्शन की कोई खबर सुनाई देगी। बाकी मुस्लिम लीग नून का जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है, तो वो अपनी पार्टी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ लोग जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो PTS आए या पीपल्स पार्टी से आए, तो कुछ बेहतरी नजर आ रही है इस वक्त जो है वो काफी मुस्लिम लीग नून ग्रुप वाले एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो दोनों मेजर अरकैना के कार्ड हैं, दोनों पार्टीज की पोजीशन इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है अपने अपने इलाकों में। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? किसकी कौन सी पार्टी? जो जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई है जी, उसका क्या फ्यूचर है मैं देख लेती हूँ। एम्परर का कार्ड है, तो ये किंग का कार्ड होता है, तो ये भी इसमें भी काफी सारे जो है
हो सकता है पीटीआई से कुछ आए, कुछ मुस्लिम लीग से आए, कुछ नून मुस्लिम लीग नून से आए, तो एम्परर का कार्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती हुई नजर आ रही है आगे। परवेज इलाही साहब के कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि काफ लीग पूरी कोशिश कर रही है चौधरी शुजात के उनको वापस बुला लिया जाए और वो आ भी जाए, चले जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये इतना ज्यादा एक पावरफुल तो कार्ड होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं होता। तो परवेज इलाही साहब के जो भी इस वक्त पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है कि अब वो मतलब जैसे वो सिचुएशन नहीं हो सकती जो पहले वो परवेज इलाही साहब की रही है। तो बस ठीक है, जो उनके था वो ही वैसे ही चीजें रहेंगी। चलें जी, अब होरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं। जी, आज का होरोस्कोप एरीज के लिए अगर हम बात करें तो एरीज वालों का कुछ अच्छा टाइम नजर आ रहा है। यहाँ पे तलवारें तो हैं लेकिन जिन एरीज वालों की मुश्किलात का शिकार थे चाहे कारोबारी हवाले से या पर्सनल लाइफ के हवाले से, उनकी बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही है, जो पहले मामलात से उनसे वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत का आपने ख्याल रखना है, सेहत आपकी खराब हो सकती है। टॉरस वाले थोड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं लेकिन ये है कि उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर सफर करना चाहे टॉरस वाले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जेमिनी वाले जो है वो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल उनको करना चाहिए और बाकी कोई काम अगर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है जेमिनी वालों के लिए। कोई कारोबार करना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं या एग्जाम के रिजल्ट आने वाला है तो कामयाबी जो है मिलती हुई नजर आ रही है उनको। शादी के काफी जेमिनी के चांसेस है। कैंसेरियंस वालों के पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। पसंद की शादी के भी काफी चांसेस है, कहीं कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लियो वाले जो है अगर कोर्ट में कोई केस उनका चल रहा है, जस्टिस का कार्ड है तो इंसाफ उनको मिल सकता है और अपनी चीजें बैलेंस करें, अपना कारोबार, अपने फाइनेंसेस, अपनी मनी जो है वो उसको बैलेंस करें और सेविंग करना आपके लिए बहुत लाजमी है। वर्गो सुमला के लिए कुछ रुकावटें आ सकती हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो या जॉब कर रहे हैं तो वक्ती रुकावटें हो सकती हैं, सैलरी स्टक हो सकती है, पैसा स्टक हो सकता है लेकिन ये वक्ती एनर्जी है, इसके बाद टाइम के बाद ये चीज हो जाएगी। लिब्रा जो मीजान है उनको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ी जॉब मिल सकती है और लेकिन गुस्से को आपने कंट्रोल करना है और कोई जज्बात में आके फैसला नहीं करना है, चाहे शादी या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, पेशेंस जरूरी है। स्कॉर्पियो के लिए जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, कोई दोस्त बन सकता है, कोई लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई प्रपोज उनको कर सकता है। पैसा खूब स्कॉर्पियंस का खर्च होता हुआ नजर आ रहा है और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच समझ के करें, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो या कोई जैसे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी सोच समझ के फैसला करें। सेजिटेरियस बुज कॉस वालों के लिए आगे अच्छा टाइम नजर आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड है, जो जिनकी नई शादी हुई है कंसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, काम में ग्रोथ नजर आ रही है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोशन हो सकती है इनकी और लेकिन थोड़ा सा सेहत का आपने ख्याल रखना है। अगर दूसरों का तो ख्याल रखते हैं लेकिन अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। और कैप्रिकॉन जो है उनके लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है, ट्रैवल करें, हॉलीडे वेकेशंस पे जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, या बिजनेस के हवाले से भी अगर ट्रैवल करते हैं या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं इमिग्रेशन वगैरह उन्होंने वीजाज अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कैप्रिकॉन के लिए। एक्वेरियस जो है वो पसंद की शादी नजर आ रही है, शादी के काफी चांसेस हैं, अपने काम में बहुत डिवोटेड नजर आ रहे हैं, अपने काम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के साथ जो है वो कोई लव अफेयर वगैरह इस तरह भी हो सकता है। पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है एक्वेरियस का तो सेविंग करें। पाइसेस वाले कोई गुड न्यूज सुन सकते हैं, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड भी गुड न्यूज हो सकती है, जॉब कहीं अप्लाई की है तो वो भी उनको कोई
इंटरव्यू कॉल या मेल आ सकती है, जॉब होती भी नजर आ रही है। और अगेन मैं यही कहूंगी कि पैसे पार्टनर वालों के भी खूब खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड कोई शादी में शिरकत कर रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सही, बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड, अपना ख्याल रखें। और जनाब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने आवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।